सत्याकाल, एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पे आज हम आए हैं करनाल की हवेली में। और आप ये देख रहे होंगे स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पे, जो है आपके स्टॉल हैं। देखिए अलग अलग तरह के स्टॉल बने हुए हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे कॉन्फेसी का स्टॉल है, चॉकलेट का स्टॉल, टोए का, बर्गर किंग, और आपके शूज़ के लिए है, आपका नेस्कैफे है सामने आपके, आप देख रहे होंगे चारों तरफ दिखाइए आप, चारों तरफ देखिए आप उसके, आपको बहुत कुछ हवेली में मिलेगा, आपको हवेली घुमाते हैं आपको। अजी भाजी आज हम करनाल के हवेली में खड़े हैं और चारों तरफ आप देख रहे होंगे एक पूरी चॉकलेट का आउटलेट है यहाँ पे, हर्बल का है भाई कुछ भी, और कन्फेक्शनरी का है यहाँ पर, और टॉयज़ का, और ये बर्गर किंग है, और ये नेस्कैफे का है। आओ आपको लेके चलते हैं, आपको हवेली के आज घुमाते हैं, आपको करनाल की हवेली जो है वो जो ये देखिए, ये स्टैचू है ठीक है। आओ ये फाउंटेन है, देखो फाउंटेन, और वो लाल वाला फाउंटेन है। ऐसे है जो करनाल के अंदर जो हवेली है ये बड़ी फेमस है, और बड़ी काफ़ी लोग इधर से जब करनाल से बालक की ओर जाते हैं तो इस हवेली रोड पे आइसक्रीम के ऊपर, और ये जो है टर्किश आइसक्रीम है, और ये देखो ट्विस्ट द स्कॉप कड़ल दार टर्किश आइसक्रीम। ये भैया, हेलो भैया, क्या हाल चाल है आपके, क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि जी हमें टर्किश वाली आप आइसक्रीम बना के दिखाइए, बहुत बढ़िया हो सर। यस यस यस, प्ले भी होना चाहिए ताकि स्वाद भी आए हमारे व्यूअर्स को, देखने का पता भी लगे टर्किश का, और जो टर्किश फ्लेवर है ना वो वाली बनाना ताकि हमारे व्यूअर्स को हम टेस्ट लेके बताएं। इसके इसका नाम क्या है इसका भैया? कॉपेशिस केक। अच्छा, ये देखो आप हमारे साथ प्ले करेंगे, और इनका प्ले मैंने काफ़ी जगह देखा, तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही तो कर रहा हूँ, ये प्ले करेंगे हमारे साथ कैसे? गुरदीप सिंह, ये देखिए फर्स्ट प्ले किया उन्होंने मेरे साथ, तो चलो। अच्छा, ये कहाँ गई भाई? देखो ये देखो प्ले कर रहे हैं, ये ऊपर बैल लगाई हुई है उसको टच करते हैं, और ये देंगे और लेंगे। ये देखिए कितना, यानी कि अगर बच्चा आके इसको चीज़ को देखता है करता है उसको भी बहुत इंजॉय मिलता है। हम तो असली आइसक्रीम तो बोलेंगे, देखो कौन दे दिया है हमारी इस आइसक्रीम का नाम क्या भैया? कॉपा चीज़ केक। ऋषि जी ने बताया, और इसका टेस्ट लेके आपको बताते हैं इसका टेस्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया, खट्टा मीठा एक स्वाद आता है जो, वो चीज़ है। बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू आपका। ये गाय है यहाँ पर, और इसे पीछे ट्रेन है बच्चों के लिए, अगर आप बच्चे को ट्रेन में अगर बच्चा कोई एंजॉय करना चाहता है तो वो ट्रेन भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जंपिंग का, अगर बच्चे जंपिंग करना चाहे कैरम बोर्ड खेलना चाहता है कैरम बोर्ड भी है, और बच्चे वहाँ पर जंपिंग करना चाहे, और वो सामने पुल का है, अगर कोई बच्चा पुल के ऊपर जाके करना चाहता है तो वो पुल के ऊपर भी कर सकता है। हाँ भी आप देख रहे होंगे इसको बहुत ही करना चाहे, यानी कि करनाल की हवेली में बहुत कुछ है, यहाँ पे बच्चे अगर आए तो बहुत इंजॉय कर सकते हैं। हवेली के जो पंजाबी ढाबा है उसके अंदर आए हैं, और ये पंजाबी ढाबा के अंदर ये ट्रक है, देखिए ये इन्होंने ट्रक लगाया हुआ है, और ये अंदर का जो इनका अंदर जो बैठने की जगह है वो सारा देखो, क्लाउड इतना नहीं है अभी समय पर, धीरे धीरे क्लाउड आएगा, और ये इनका जो बैठने का सीटिंग का अरेंजमेंट है ये यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे लंच और डिनर ब्रेकफास्ट जो भी लेना हो, तो हम पंजाबी ढाबा के अंदर हैं इस समय, और उस साइड में थोड़ा क्लाउड है, देखिए ये है क्लाउड, बहुत बढ़िया बना हुआ है, अंदर से भी बहुत बढ़िया बना है, हमने बाहर जो है टर्किश आइसक्रीम का जो है स्वाद लिया, बहुत बढ़िया। और ये भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, जो यहाँ के जो जो पर्ची वगैरह जो बिलिंग होती है यहीं पर होती है, ठीक है भाई, मेहमान जी पाजी से हैं जी, ये कोई चैनल है हमारा फूड ब्लॉग में, तो आज आए थे अंदर भी देखने आए थे भाई, अंदर जो पंजाबी ढाबा उसके कैसा अंदर से, तो ये जो पंजाबी ढाबा के अंदर की लोकेशन आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया बनी हुई है, ये एनिसेंट जो है प्राचीन टाइम के जो चीज़ें होती थी ये पड़े हुए हैं, देखो बर्तन ये कांसे के होते हैं, तांबा है ना, ये देखो सारे जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे बर्तन वो सारे यहाँ पे, पुराना कल्चर पंजाबी का जो पुराना कल्चर है वो सारा यहाँ पे दिखाया गया है, ताकि लोगों को पुरानी चीज़ों से जुड़ाव बना रहे। बहुत अच्छा लगा, अंदर आए हैं, बहुत बढ़िया बनी हुई है। और अगर आप ऊँट की सवारी लेने जाते हैं तो ये बाहर हवेली के बाहर ऊँट है, इसकी शोर पे सवारी है, इसको पूरा बैठ के आप इंजॉय कर सकते हो, और ये हवेली है पूरी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह मिले। हाँ जी पाजी, सत श्री अकाल।